वेलनेस मंत्रा गायत्री थैंक गॉड माय वर्क इज फिनिश्ड नाउ पर अब डिनर क्या बनाऊं आई एम सो टायर्ड आई डोंट वांट टू कुक चिप्स खा लूं ब्रेड ना ना डू यू हैव फ्रोजन वेजिटेबल्स एंड बेसन फ्लावर यस आई हैव तो चलो किचन में कुछ सिखाती हूँ तुम्हें बनाना आप भी चल रहे ओके हाँ जी तो काम करके तो सब थक जाते हैं हम में से बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं कि जब काम करके थक गए तो बस जो हाथ आया वो खा लिया एक वक्त मेरी भी यही हालत थी कि जो मिला वो खा लिया पर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि अपनी डाइट को ऐसे इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा और जब से न्यूट्रिशन की पढ़ाई की तो अच्छा हेल्दी खाना खाने की वैल्यू भी पता चली अगर वजन घटाना है तो बस थोड़ा सा एडवांस में अपने फूड के बारे में सोचें और प्लान कर लें इसका मतलब ये भी नहीं कि 24 घंटे बस खाने के बारे में ही सोचते रहें केवल या तो एक रात पहले अपने अगले दिन के फूड की प्लानिंग कर लें या उसी दिन डिनर की प्लानिंग लंच में और लंच की प्लानिंग ब्रेकफास्ट में कर लें सिंपल इससे आपके दिमाग में ये क्लियर रहेगा कि मेरा अगला हेल्दी फूड क्या होने वाला है वैसे हफ्ते भर का भी मेन्यू बना के रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस हिसाब से आप अपना सारा सामान वीकली ग्रॉसरी के साथ ला भी सकते हैं मैं मोटे तौर पे एक हफ्ते भर का मेन्यू बना के रख लेती हूँ इससे मुझे अब सोचना नहीं पड़ता कि क्या हेल्दी खाऊं सो चॉइस इज योर्स Okay, so let's come back to our recipes. Today I brought three simple recipes which can be made within 10 minutes. You just need some vegetables, lentils and gram flour. Wellness Mantra by Gunjan में आप सबका स्वागत है. सबसे पहली रेसिपी है vegetable lentil soup. Red split lentil मतलब कि लाल टूटी हुई मसूर दाल के 30 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन होता है अब ये तो आपको याद ही होगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था हम सबको अपने प्रति किलोग्राम वजन के लिए हर दिन लगभग करीब 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है मतलब अगर आप 60 किलोग्राम के हैं तो आपको कम से कम एक दिन में 48 ग्राम प्रोटीन खा लेनी चाहिए ताकि आपकी मसल्स हेयर स्किन एंड नेल्स सब कुछ हेल्दी रहें प्रोटीन अपनी बॉडी में और आपके वेट लॉस में कैसे काम करता है वो आप इस ऊपर दिए हुए लिंक के वीडियो में देख सकते हैं तो इस फर्स्ट रेसिपी के लिए हमें जरूरत होगी आधा कप मतलब लगभग 80 ग्राम टूटी मसूर की लाल दाल इसके अलावा ढेर सारी सब्जियां जैसे कि गाजर फूल गोभी ब्रोकली बीन्स मटर कॉर्न ऑप्शनल है डायबिटिक्स के लिए इसके अलावा एक छोटा प्याज 4 से 5 कली लहसुन एक छोटा अदरक का टुकड़ा 2 छोटी हरी मिर्च और एक छोटा टमाटर यहाँ मैंने फ्रोजन सब्जियाँ ली हैं क्योंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास खाना पकाने का समय नहीं है लेकिन वजन कम करना चाहते हैं अगर आपके पास टाइम है तो फ्रेशली कट सब्जियाँ आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं घी सूप 2 लोगों के 2 मील्स के लिए काफी होगा बस अब दाल अच्छे से धो के उबलने चढ़ा दीजिए इसमें सारी सब्जियाँ डाल दीजिए जरूरी नहीं कि आप सारी सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े करें क्योंकि सूप में अपने आप सारी सब्जियां बाद में मैश हो जाएंगी एक उबाल आने पर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज लहसुन मिर्ची अदरक और टमाटर सब कुछ डालकर करीब 10 मिनट धीमे आंच पर पकने दीजिए थोड़ा सा नमक और थोड़ी पिसी काली मिर्च पूरा पकने पर डाल सकते हैं इस डिश की खासियत ये है कि इसमें जो दाल धीमी आंच पर सब्जियों के साथ पकती है तो एक बहुत अच्छा सौंधापन आ जाता है जिससे दिल खुश हो जाता है बस अब इसे धीमी आंच पे चढ़ा के आप 10 मिनट अपना काम कर सकते हैं और तब तक आपकी डिश रेडी हो जाएगी है ना वेरी सिंपल डिश यहाँ मैं इतनी सारी सब्जियाँ खाने के लिए जोर क्यों दे रही हूँ क्योंकि सब्जियाँ ही होती हैं जो आपके खाने में बल्क देती हैं इसमें भरपूर फाइबर्स मिनरल्स जैसे कि सोडियम पोटेशियम आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आपका शरीर खुद नहीं बना पाता है इसकी पूर्ति आपको अपने खाने या सप्लीमेंट्स के द्वारा ही करनी पड़ती है और ये तो आप जानते ही होंगे कि इन मिनरल्स एंड विटामिन्स के बिना आपके हॉर्मोन्स इम्यूनिटी एनर्जी कुछ भी सही से काम नहीं करता और सब्जियाँ आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करती हैं इसके अलावा खाने में जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करती हैं इसलिए सब्जियाँ ज़रूर खानी चाहिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने टमाटर क्यों डाला टमाटर में विटामिन सी होता है जो कि सब्जियों में मौजूद आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इसलिए इसे सूप में मिलाने से हमारी आंतों में पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाएगा
इसके अलावा इंटरनेशनल हेल्थ गाइडलाइन के अनुसार आपकी प्लेट में 50% सब्जियां होनी चाहिए, इसलिए सब्जियां खाने का ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। चलिए दूसरी हेल्दी वेजिटेरियन वेट लॉस रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बेसन का चीला। इसे बनाने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है और आपको चाहिए केवल एक कटोरी बेसन, 2 से 3 चीले बनाने के लिए थोड़ा कटा प्याज, हरी मिर्ची और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। बस बेसन फेटा, उसमें प्याज और मिर्ची डाली और आपके चीले का बैटर तैयार है। आप चाहिए तो इसमें कुछ बारीक कटी सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी एक्सेट्रा। पर मुझे केवल प्याज डाला हुआ चीला अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसमें सब्जियां नहीं डाली। एक चीले में आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, ये काफी फिलिंग होता है। 1 से 1.5 चीला एक मील के लिए काफी हो जाता है। बेसन के एक चीले में आपको करीब 143 कैलोरीज, मतलब कि 143 कैलोरीज मिलती हैं। ये डायबिटिक्स और स्पेशली जो वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रोटीनिशियस रेसिपी है। और इसमें टाइम भी मिनिमम लगता है, विद इन 5 to 10 मिनट्स यू कैन प्रिपेयर इट। इवन आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क यू कैन क्विकली प्रिपेयर इट। चलिए तीसरी और एक सिंपल सी वेजिटेबल रेसिपी देख लेते हैं, जो कि क्विक है और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। जब टाइम ना हो और कुछ ऐसा खाना खाना है जिससे पेट भी भर जाए और वजन भी ना बढ़े, तो उसके लिए ये बेस्ट है, स्पेशली विंटर्स में जब इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। इसके लिए आपको चाहिए पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ग्रीन अनियंस, बीन्स, मटर, इसके अलावा और जो भी सब्जियां आपके पास हो और उबालने पर अच्छी लगती हैं, वो सारी सब्जियां आप इस रेसिपी में डाल सकते हैं। बस सारी सब्जियों को पैन में लेके करीब 5 मिनट के लिए उबाल लीजिए। हल्का सा क्रिस्प रहेंगी तो अच्छी लगती हैं। ऊपर से बस हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के एक बाउल भर के आप डिनर में खा सकते हैं। साथ में चाहें तो एक होल व्हीट टोस्ट पीनट बटर के साथ ले सकते हैं, या फिर एक चीला और ये सब्जियां आपके डिनर के लिए काफी होंगी। बस ये 3 डिशेस मैंने आपको आपके डिनर के लिए बता दी, जो कि लो कैलोरी हैं और प्रोटीन एंड मिनरल से भरपूर हैं। सबसे बड़ी बात है, मुश्किल से 5-10 मिनट का टाइम भी नहीं लगता और इनको खाने के बाद आप अगले दिन डेफिनेटली थोड़ा लाइट फील करेंगे। बस तो बनाइए, खाइए और अपने वेट लॉस गोल्स हासिल करते जाइए। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करूंगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।